सब, तो आज के लिए वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, बिकॉज हम लोग इसका खाली ओवरऑल में देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में। इसके बाद हर एक वीडियो में आपको एक एक कॉम्प्लिकेशंस को मैं डिस्कस करता जाऊँगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एक ओवरऑल मैं व्यू दे रहा हूँ तुम्हें डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस का। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट हो सकता है, एचएसएस और कोमा कह सकते हो उसको, एक हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया ये करा दे, ठीक है ना। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होंगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एचएसएस हो गया, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट हो सकता है, ठीक है ना। और एक होता है लैक्टिक एसिडोसिस भी ये कॉज करा सकता है, डीके एचएचएस लैक्टिक एसिडोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। इसके अलावा तुम्हारा क्रॉनिक स्टेट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो माइक्रोवैस्कुलर होता है, एक मैक्रोवैस्कुलर कंपोनेंट होता है। तो माइक्रोवैस्कुलर कंपोनेंट में बेसिकली क्या आता है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ग्लोकोमा, डिप्रोपैथी, डर्मेटोपैथी, इन्फेक्शन, ठीक है ना। क्या क्या है बेसिकली माइक्रोवैस्कुलर कंपार्टमेंट में, अगर हो गया तुम्हारा माइक्रोवैस्कुलर अगर दिक्कतें हुई तो ऑब्वियसली डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में सुना होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में सुना होगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में सुना होगा तुमने, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी, राइट। माइक्रोवैस्कुलर के कारण ये तीन हो गए, और ग्लोकोमा हो सकता है, डर्मेटोपैथी हो सकती है, तुमने पढ़ा ही होगा कि ऑब्वियसली जो तुम्हारा ग्लोकोमा एक होता है वो मतलब कि डायबिटीज के कारण से भी एक ग्लोकोमा होता है, तुम पढ़े ही होगे उसको ऑब्वियसली, ठीक है ना। और डर्मेटोपैथी भी हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो जाता है इसको। माइक्रोवैस्कुलर कंपार्टमेंट जाएगा तो सीएडी, सीबीडी, पीबीडी करा सकता है, ठीक है, ये सब याद रखना है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं कि सीएडी करा सकता है, सीबीडी करा सकता है, पीबीडी भी करा सकता है, तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो ये बात रही तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।